नमस्कार विद्यार्थियों, अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज मिली है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर ने दो पेपर निरस्त कर दिए हैं। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि दोनों पेपर आउट हो गए हैं। माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकेंड ईयर के हिस्ट्री के पेपर निरस्त हुए हैं। आइए जानते हैं कौन से पेपर निरस्त हुए हैं। बीए सेकेंड ईयर का जो 25 तारीख को पेपर हुआ था, 25 मई को जो पेपर हुआ था, 3 से 4:30 बजे के बीच में, कौन सा? हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास 1200 से लेकर 1760 ईस्वी तक, ये पेपर आउट माना गया है और ये पेपर निरस्त हो गया, यानी इस पेपर की एग्जाम अब दोबारा होगी। साथ ही ये जो पेपर है बीए सेकेंड ईयर का, ये बीए फर्स्ट ईयर ऑनर्स वालों का भी है। ऑनर्स वाले अलग होते हैं और बीए पास आउट वाले अलग होते हैं। दूसरा पेपर कौन सा निरस्त हुआ है? 26 मई को 3 से 4:30 PM पर आयोजित बीए फर्स्ट ईयर का हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत का इतिहास 1200 तक, ये पेपर निरस्त हुआ है। इन दोनों पेपर की एग्जाम वापस कब होगी? ये पेपर की जो बीए सेकेंड ईयर का जो पेपर है वो होगा 19 जुलाई को पेपर होगा। बीए सेकेंड ईयर का कौन सा? हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट, पेपर प्रथम, भारत का इतिहास 1200 से लेकर 1760 तक वाला, वो होगा 19 जुलाई को। और बीए फर्स्ट ईयर का जो पेपर रद्द हुआ है वो पेपर होगा 20 जुलाई को 3 से 4:30 PM को। पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 1200 तक के भारत का इतिहास वाला पेपर है। ये दोनों पेपर दोबारा होंगे, इसलिए विद्यार्थी जिनका भी ये पेपर है वो विद्यार्थी ध्यान दें और अपडेट रहे। आगे भी इस प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये सूचना अपने अन्य साथियों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक सही समय पर सभी छात्रों को सूचना मिल जाए। धन्यवाद।